हेलो हेलो एवरीवन। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था, मैंने डिस्कस किया था, वो था कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल फॉर SR, JK, D एंड T फ्लिप फ्लॉप। तो सभी फ्लिप फ्लॉप के लिए मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग SR फ्लिप फ्लॉप सबसे पहले पढ़ा था, तो SR फ्लिप फ्लॉप में क्या था कि जब हम S और R की वैल्यू 1-1 दे रहे थे, तो वहां पे क्या आ रहा था? इनवैलिड स्टेट। आउटपुट पे क्या आ रहा था? नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट दोनों ही सेम आ रहे थे। वो क्या होती है? इनवैलिड स्टेट। उसको रिमूव करने के लिए हमने बनाया JK फ्लिप फ्लॉप। तो JK फ्लिप फ्लॉप जब हमने बनाया है, तो आपने देखा होगा कि हमने फीडबैक पाथ कनेक्ट कर दिया है। SR फ्लिप फ्लॉप में फीडबैक पाथ कनेक्ट कर दिया, तो JK बन गया। तो जब JK को हमने देखा, तो 1-1 पे क्या आ रहा था? टॉगल। टॉगल मीन्स प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। तो 1-1 पे क्या आएगा? टॉगल प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। यदि प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 आएगी, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 आएगा। ये क्या है? टॉगल। लेकिन कई बार टॉगलिंग हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? हम रेस अराउंड कंडीशन। उसी को हम डिस्कस करेंगे, रेस अराउंड कंडीशन आज। रेस अराउंड कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है? जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 एंड जो प्रिपोगेशन डिले है क्लॉक का, वो बहुत ज्यादा होता है प्रिपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। इसकी वजह से ये रेस अराउंड कंडीशन अकर होता है, ठीक है। प्रिपोगेशन डिले है जो क्लॉक का, वो मच मच ग्रेटर देन प्रिपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसकी वजह से ये रेस अराउंड कंडीशन आता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जेके, जैसे मैंने आपको बताया था, जेके फ्लिप फ्लॉप मैंने बनाया था, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जेके में ये दो नैंड गेट होंगे जो कि आपस में क्रॉस कपल्ड होंगे, और यहां पे दो नैंड गेट होंगे, एक ये हो गया और एक यहां पे हो गया। ये आपस में क्लॉक दे दिया, CL के क्लॉक यहां पे इनपुट दे दिए J एंड K, और यहाँ पे फीडबैक पाथ जो कि यहां से कनेक्टेड होगा, और यहां से जो फीडबैक होगा वो कनेक्टेड होगा ऊपर। ये देखिए, ये कनेक्टेड हो गया। ये JK फ्लिप फ्लॉप है, जैसे हमने डिस्कस किया था, दो नैंड गेट हैं आपस में क्रॉस कपल्ड हैं, ठीक है। ये दो नैंड गेट हैं, क्लॉक हो गया कॉमन, जे और के इनपुट हो गया, फीडबैक पाथ इसके लिए क्यू है और ऊपर वाले के लिए क्यू बार है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा था जेके में हम बात कर रहे हैं, तो जेके में क्या आ रहा है? ये फीडबैक पाथ आ रहा है। और SR में क्या था? बस ये फीडबैक पाथ नहीं था और सेम सर्किट थी, सेम सर्किट थी SR में। तो आपने देखा था कि SR में सेम सर्किट थी, बस ये फीडबैक हटा दे। तो लेकिन SR में क्या था? ड्रॉबैक था, इनवैलिड स्टेट आ रहा था। 1-1 पे जब हम S और R की वैल्यू 1-1 देते हैं, उस पे इनवैलिड स्टेट आ रहा था। उसको रिमूव करने के लिए हमने JK बनाया, तो JK में क्या आ गया? फीडबैक पाथ आ गया। ये अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको टिगरिंग बताया था, लेवल टिगरिंग और एश टिगरिंग। लेवल टिगरिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर लेवल पे होता है, या तो पॉजिटिव लेवल या नेगेटिव लेवल। तो
तो जो लेवल टिकरिंग होता है काफी समय के लिए होता है, आपने देखा होगा। तो लेवल टिकरिंग में क्या होता है कि अगर उस टाइम के दौरान हम इनपुट चेंज करते हैं तो वो अपनी स्टेट तुरंत चेंज कर लेगा, उसी को बोलते हैं लेवल टिकरिंग। लेकिन एस टिकरिंग में क्या होता है, एस टिकरिंग भी दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। लेकिन एस टिकरिंग में क्या होता है, ओनली एज पे चेंज होता है। इनपुट चेंज हुआ तो एज पे आया तो चेंज हो गई उसकी स्टेट, लेकिन फिर उसके बाद अगर हम लोग इनपुट चेंज करते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। स्टेट कब चेंज होगी, जब नेक्स्ट क्लॉक अराइव होगी। जब तक कि नेक्स्ट क्लॉक अराइव नहीं होती है क्लॉक इनपुट पे, तब तक कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो एक बार चेंज हो गया एज पे, फिर बीच में कहीं चेंज नहीं होगा, तभी चेंज होगा जब नेक्स्ट क्लॉक अराइव होगी, नेक्स्ट एज पे पहुंचेगा। अगर हम पॉजिटिव एज यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव पे चेंज होगा, नेगेटिव एज यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव पे चेंज होगा। ठीक, पहली चीज तो ये हो गया। तो हम जानते हैं कि लैच में तो एक ही टाइप की टिकरिंग कर सकते हैं, वो है लेवल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फ्लिप फ्लॉप में क्या है, दोनों टाइप्स की टिकरिंग कर सकते हैं हम, लेवल टिकरिंग भी और एश टिकरिंग भी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब यहाँ पे टॉगल आ रहा है, जे और के की वैल्यू 11 है, 11 पे क्या आ रहा है, टॉगल। टॉगल मतलब प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट, 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, ये टॉगल है। ठीक, लेकिन कई बार टॉगलिंग हो जाना एक सिंगल क्लॉक में, उसको क्या बोलते हैं, रेसिंग, यानी रेस अराउंड कंडीशन। यानी एक सिंगल क्लॉक में कई बार आउटपुट चेंज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, जब जे के की वैल्यू 1-1 होती है, जब जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 एंड जो प्रिपोगेशन डिले है क्लॉक का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रिपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, जिसकी वजह से रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रॉब्लम काफ़ी गेट में या कंपटीशन में पूछा जाता है कि जे के में जो है रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होती है। तो कंडीशन क्या होती है, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 एंड जो प्रिपोगेशन डिले है क्लॉक का वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रिपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, जिसकी वजह से रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लिया मैंने एक क्लॉक है, उसकी पल्स विड्थ है 10 नैनोसेकेंड और जो प्रिपोगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप का वो क्या है, 1 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो यही कंडीशन आप देख रहे हैं कि जो क्लॉक की पल्स विड्थ है उसका टाइम क्या है, काफी ज्यादा है, और जो प्रिपोगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप का वो क्या है, काफी कम है। जैसे एक सिंगल क्लॉक ले रहे हैं हम यहाँ पे, मैंने ये यहाँ पे दिखाया एक सिंगल क्लॉक, ये एक सिंगल क्लॉक लिया, तो ये इसका 10 नैनोसेकेंड क्या है, टाइम है। अब जो आउटपुट होगा वो देखिए, आउटपुट क्या होगा, कई बार चेंज हो जाएगा, कई बार चेंज, ये देख रहे हैं कई बार चेंज हो रहा है इस सिंगल क्लॉक में, आउटपुट क्या है, कई बार चेंज हो जा रहा है। ये आउटपुट है जो कि हमारा क्या है, क्यू, आउटपुट क्यू है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिंगल क्लॉक में, तो कंडीशन है ये, जब जे के की वैल्यू 1-1 हो और जो प्रिपोगेशन डिले है क्लॉक का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रिपोगेशन डिले और फ्लिप फ्लॉप से, जिसकी वजह से जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, कई बार चेंज हो जाता है एक सिंगल क्लॉक में, कई बार चेंज हो जाता है एक सिंगल क्लॉक में, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। ये क्या हो रहा है, रेसिंग, रेस अराउंड कंडीशन, कई बार चेंज हो जा रहा है आउटपुट, इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं एक सिंगल क्लॉक में, एक सिंगल क्लॉक में आउटपुट क्या हो रहा है, कई बार चेंज हो जा रहा है, और कई बार चेंज हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवल टिकरिंग। क्योंकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल टिकरिंग कर रहे हैं, और लेवल टिकरिंग का यही होता है कि यहां पे लेवल टिकरिंग में अगर हम देखें तो कई बार आउटपुट चेंज हो जाता है। तो लेवल टिकरिंग में जैसे आप देखते हैं तो क्या होता है कि कई बार चेंज हो जाता है आउटपुट। तो वही यहां पे कि हम लोग जब लेवल टिकरिंग कर रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो यहां पे देख रहे हैं कि एक सिंगल क्लॉक में आउटपुट कई बार चेंज हो जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन।
रेस अराउंड कंडीशन यानी कि कई बार टॉगलिंग हो जाना, आउटपुट बिटवीन 0 and 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल क्लॉक में कई बार चेंज हो रहा है, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, कई बार टॉगलिंग हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है कि कई बार आउटपुट चेंज हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूं, जब हमने मान लिया j इक्वल टू 1 लिया, k इक्वल टू 1, ठीक, प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे मान लिया 0, यहाँ पे क्या है 1, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो फीडबैक पाथ है नीचे आ रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, और ये जो 1 है ऊपर जाएगा, ओके। तो यहां पे आप देखेंगे कि इस वाले नैंड का सभी इनपुट हाई है, क्योंकि क्लॉक भी हाई है और ये सभी इनपुट हाई है, तो जब नैंड में सभी इनपुट हाई हो तो आउटपुट पे क्या मिलता है, 0, ओके। और ये जो नैंड का एक इनपुट 0 है, नैंड में एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1। अब देखिए इस नैंड का एक इनपुट 0 है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1, क्योंकि नैंड में एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे 1, ये 1 इसके लिए इनपुट हो जाएगा, तो इस नैंड के दोनों इनपुट हाई हो गए तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0। अब आप देखेंगे कि ये जो 1 है फीडबैक, अब ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ पे चला जाएगा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, इसका एक इनपुट 0, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और इसके सभी इनपुट हाई है, ये भी ये भी ये भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब इसका एक इनपुट 0 है तो आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगा, 1, और ये 1 यहाँ पे जाएगा 1 1 पे, ये नैंड क्या हो जाएगा, 0। फिर फीडबैक होगा, यहाँ पे 0 फिर आएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, देन फिर 1 0 आएगा और फिर फीडबैक होगा, फिर 0 1 आएगा, तो ये आउटपुट क्या हो रहा है, कई बार टॉगल हो रहा है। आप देख रहे हैं 1 0 1 0 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो एक सिंगल क्लॉक में आउटपुट कई बार चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ट्रिगरिंग की है वो कौन सी की है, लेवल ट्रिगरिंग। अगर हम एज ट्रिगरिंग करते तो ये नहीं होता, क्योंकि एज में क्या होता है, एज में आप देख रहे हैं कि पहली चीज हमने जे और के को 1 1 ही रखा है, जे के 1 1 है, क्लॉक एक्टिव है। अब यहाँ पे क्या है, ये फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ है, तो फीडबैक पाथ की वजह से क्या हो रहा है, जबकि लेवल ट्रिगरिंग में आपको ध्यान होगा हम लोग क्या करते हैं कि लेवल ट्रिगरिंग में अगर हमने इनपुट चेंज किया तो वो अपनी स्टेट तुरंत चेंज कर लेगा, अगर इनपुट चेंज नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, है ना। तो लेवल ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि लेवल में आउटपुट कई बार चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी होगा ही। तो लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है कि आउटपुट कई बार चेंज हो सकता है, वो क्यों, अगर हमने इनपुट चेंज किया तो तुरंत उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, तुरंत आउटपुट चेंज हो जाएगा। बट अगर आप इनपुट चेंज नहीं करेंगे, एक ही बार चेंज होगा इनपुट, तो एक ही बार उसका आउटपुट चेंज होगा, बीच में अगर आप चेंज नहीं करेंगे उस क्लॉक के टाइम के दौरान इनपुट, तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा तो वही रहेगा। तो यानी चेंज हो सकता है कई बार, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं लेवल ट्रिगरिंग कर रहे हैं बट इनपुट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इनपुट को हमने क्या कर दिया, 1 ही 1 रखा है, इनपुट को हमने फिक्स कर दिया 1 1। बट यहाँ पे क्या है, लेवल ट्रिगरिंग कर रहे हैं और लेवल ट्रिगरिंग में इनपुट फिक्स है 1 1, लेकिन ये फीडबैक पाथ की वजह से क्या हो रहा है, इसका आउटपुट कई बार चेंज हो जा रहा है, यानी कई बार टॉगल हो जा रहा है। पहले 0 था, 1 हुआ, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस तरह आउटपुट क्या है, एक सिंगल क्लॉक में कई बार चेंज हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। जबकि आप, मैं फिर बता रहा हूँ, इनपुट देख रहे हैं आप फिक्स है, बट यहाँ पे जो है फीडबैक पाथ की वजह से कई बार चेंज हो जाए, क्यों, क्योंकि जो क्लॉक का टाइम पीरियड है, क्लॉक का जो टाइम पीरियड है, प्रोपोगेशन डिले है क्लॉक का, वो बहुत ज़्यादा है प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, तो जो प्रोपोगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप का उससे काफ़ी ज़्यादा है क्लॉक का जो टाइम पीरियड है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक सिंगल क्लॉक में कई बार चेंज हो जा रहा है। क्योंकि इसी टाइम में मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिखाया कि यहाँ पे देखिए कई बार चेंज हो गया, तो आप देख सकते हैं कि ये पहले हमारे पास 1 आया, फिर ये फीडबैक तुरंत हुआ और लेवल ट्रिगरिंग हो ही रहा है, तो लेवल ट्रिगरिंग में इनपुट चेंज नहीं हुआ, बट ये
जो फीडबैक पाते हैं उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इन दोनों गेट्स का आउटपुट चेंज हो जा रहा है ड्यू टू फीडबैक, जिसकी वजह से ये तुरंत अपना आउटपुट चेंज कर ले रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्लॉक का टाइम क्या है, काफी ज्यादा है, और प्रिपोगेशन डिले है जो फ्लिप फ्लॉप का काफी कम है, तो प्रिपोगेशन डिले फ्लिप फ्लॉप का कम होने की वजह से ये काफी बार आउटपुट चेंज हो जा रहा है, यानी अपनी जो स्टेट है ये काफी बार चेंज हो जा रहा है, यानी कई बार टॉगलिंग हो जा रहा है। तो हमें पता है कि जब जेके वन वन देते हैं तो टॉगल कंडीशन आती है, एक टाइम टॉगल यानी टॉगलिंग जो है वो कंट्रोल चेंज है, बट रेसिंग क्या है, अनकंट्रोल चेंज। टॉगलिंग कंट्रोल चेंज है, ध्यान रखना, टॉगलिंग मीन्स कंट्रोल चेंज, बट रेसिंग अनकंट्रोल चेंज। अनकंट्रोल चेंज यानी कि टॉगल हो रहा है तो वो तो कंट्रोल चेंज है, यानी उसको हम लोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट कई बार टॉगलिंग हो जाना उसको क्या बोलते हैं, रेसिंग। वही होता है रेस अराउंड कंडीशन, तो कई बार टॉगलिंग हो जाना उसको क्या बोलते हैं, रेसिंग। ठीक है, तो रेसिंग अनकंट्रोल चेंज है। तो यही यहां पे बताया जा रहा है कि कई बार टॉगलिंग हो रहा है जिसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रही है। अब रिमूव कैसे कर सकते हैं, तीन पैरामीटर है, तीन तरीका है, मैं बता रहा हूं। पहला तरीका क्या है कि पहला है कि प्रपोगेशन जो डिले है क्लॉक का वो काफी कम हो जाए, प्रपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। दूसरा तरीका क्या है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज कर ले हम लोग, जेके मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। थर्ड वन है टू इंक्रीज द प्रपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तीन पॉइंट है, तीन तरह से हम रिमूव कर सकते हैं जो रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रही है। फर्स्ट वन है जो प्रपोगेशन डिले है क्लॉक का वो क्या हो, काफी कम हो, प्रपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बोला जो रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रही है वो J इक्वल टू K इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रही है जब J K की वैल्यू 1 होती है, एंड जो प्रपोगेशन डिले है क्लॉक का वो काफी ज्यादा होता है प्रपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम एजम्पशन ले रहे हैं कि जब ये ज्यादा है इससे तो रेस अराउंड कंडीशन अकर हो रही है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हमें रिमूव करना है रेस अराउंड कंडीशन, तो ये इससे कम होना चाहिए। तो वही मैंने लिख दिया कि प्रपोगेशन डिले क्लॉक का कम होना चाहिए प्रपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये ज्यादा इससे तभी आ रहा है रेस अराउंड कंडीशन। तो हमने एक एजम्पशन ले लिया कि हाँ अगर ये इससे कम होगा तो रेस अराउंड कंडीशन रिमूव हो जाएगी, बट होता नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये इससे कम होगा तो रिमूव हो जाएगा। तो वही पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज कर लें, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं तो रिमूव हो जाता है रेस अराउंड कंडीशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, थर्ड वन है टू इंक्रीज द प्रपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। हम क्या करें, जो फ्लिप फ्लॉप का प्रपोगेशन डिले कम है तो उसको क्या करें, बढ़ा दें, यानी जो प्रपोगेशन डिले है फ्लिप फ्लॉप का उसको हम क्या करें, बढ़ा दें, जिसकी वजह से रेस अराउंड कंडीशन रिमूव हो जाएगी। तो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बफर यूज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमें बढ़ाना है प्रपोगेशन डिले किसका, फ्लिप फ्लॉप का, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बफर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मास्टर स्लेव यूज होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर रेस अराउंड कंडीशन डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट है ये सर्किट है, ये रिमूव करने का तरीका है, और जो अराइज हो रही है प्रॉब्लम वो किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। तो आप देख रहे हैं जब जे के की वैल्यू 1 1 और जो प्रपोगेशन डिले है क्लॉक का वो काफी ज्यादा होता है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कंपटीशन में भी, गेट में भी, कि रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होती है। तो जे के की वैल्यू 1 1 एंड प्रपोगेशन डिले है क्लॉक का वो काफी ज्यादा होता है प्रपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिसकी वजह से
रेस अराउंड कंडीशन अकर होती है। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, आपको अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, आई होप दैट मैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है, सर्किट का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो हमने इसीलिए यहाँ पे 1-1 की कंडीशन चेक की है, क्योंकि इससे पहले हमें सब पता है कि 0-0 पे नो चेंज होता है, 0-1 पे रीसेट होता है, 1-0 पे सेट, 1-1 पे टॉगल होता है। तो वही वाली कंडीशन हमने चेक किया, तो कई बार टॉगलिंग हो गया, उसको रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। तो ये इसकी वजह से हो रहा है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्लॉक की पल्स विड्थ है उसका टाइम ज़्यादा है प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप से, देन उसके बाद रिमूव करने के तरीके हैं। तो अगले लेक्चर में हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, थैंक यू।